गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं कुलदीप सर आरती विद्यालय से क्लास 8 की मैथ थ्री से लेके आया हूँ। आपको अभी पेज दिखाना है, फॉलोइंग वाले नीचे लेसन नंबर को नंबर लाइन पे दिखाना है। तो आप एक नंबर लाइन जानते हैं, खींच लेंगे। ये क्या है? 0 1 2 3 क्या जहाँ तक खींचे, हमको 1/3 खींचना है। तो यहाँ पे देखो 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। आपको ना समझ में आता हो तो ऐसे कर लीजिए, सबका 1/3 कर दीजिए। अब सबका 1/3 करेंगे तो इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पे हम ऐसे कोला दिखाते हैं, यही आपका नंबर लाइन है। कितने अच्छे तरीके से बन गया नंबर लाइन। जैसे 1/4 बनाना है, 0 लिया, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, यहाँ पे 1/4 दिखा देंगे, एक काट के तो 1 ही आ जाएगा ना। तो यहाँ पे ऐसे गोला मार देंगे, बन गया नंबर लाइन। नहीं समझ में आया? कितने सारे तरीके से है। एक दो नंबर लाइन बना लिए हो, बिठा दे। तीसरा नंबर लाइन क्या है? 5/3 है। तो एक लाइन खींचो, 0 1 2 3 4 5 इसका 1/3 अरे आप लाख बोला मार। आपको आपके समझ में आ गया होगा, जैसे 5/5 7 देखा, यहाँ नंबर लाइन लिखते चलो। ऐसे 5/5 7 दिखाना है, 0 1 2 3 4 5 यहाँ पे 7 लगा दो, 6 7/5 7 आप यहाँ पे बोला मार तो 5/5 7 पे आपको सब नंबर लाइट बन गया है बारी बारी से। इस प्रकार से चारों नंबर लाइन बनाई गई। ऐसे आपको माइनस वाला दिखाना है। अब हम आपको होमवर्क में देते हैं, तो हमने प्लस वाला बनाया, माइनस वाला उधर बनेगा। अरे आपको होमवर्क में है, आपको दिखाना है -4/5 7 को, -5/8 को, -3/5 को। ये आपके होमवर्क में है। ये चौथा और पांचवा सवाल है 4/5 को, छठवा सवाल है 5/3 को, और आठवां सातवां सवाल है दीदी को, आठवां सवाल है 12/5 को, नौवां सवाल है -8/5 को, दसवां सवाल है -3/5 7 को, ग्यारहवां सवाल है। सबको नंबर लाइन ही दिखाना है आपको। आपको जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं सबके नंबर लाइन को दिखा देना है, कठिन नहीं है। आपको ये आपका HW है पूरा, आपको नंबर लाइन दिखाना है। और इसको हमने रेड किया, और इस प्रकार जब आप इस होमवर्क में दिखा देंगे तो आपका 3C का लगभग सवाल हो जाएगा। आपको पांचवा सवाल भी देखना होगा, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, इसे पहला है 3/5, दूसरा है 4/7, तीसरा है -9/-8, चौथा है 5/-4, पांचवा है 12/-11, छठवा है -7/-17, सातवा है -6/13, आठवा है -9/-17। आपको यहाँ लिखना है सवाल में, पहला सवाल लिखना -3/5, यहाँ लिख देना है एब्सोल्यूट
वैल्यू बहुत ही सरल होता है, ये माइनस में है इसको बोलते हैं निरपेक्ष मान, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। सेकेंड ऐसे है 4/7 है एब्सोल्यूट वैल्यू 4/7 हो जाएगा। तीसरा सवाल है -9/-8 है एब्सोल्यूट वैल्यू की हो जाएगी, मतलब कुल मिला के प्लस में लिख देना ही क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, निरपेक्ष मान होता है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों आपको हमने थ्री सी अभ्यास बताया, आपको सब में नंबर लाइन बनाना है और किताब होगी तो कुछ हेल्प आप सी से भी ले सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे आपको नंबर लाइन बनाना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कल जब आप आएंगे तो 3C अब एक्सरसाइज को बताया जाएगा क्योंकि 3C में 5 सवाल हैं। ठीक है, आने वाले समय में आपको अगला अभ्यास बताया जाएगा, आप किताब को खरीद लीजिए तत्काल प्रभाव से और एक आप फेयर कॉपी बनाते चलिए, मान लो कोई सवाल तकलीफ है थोड़ा जगह छोड़ करके आगे बना लीजिए, लेकिन फेयर कॉपी बनाइए तो कोई तकलीफ है तो उसको आप बाद में पूछ सकते हैं। और बहुत जल्दी हम लोग एलजेब्रा गुणनखंड में पहुंचने वाले हैं बीजगणित के, और आप उसको हमने कोरोना काल आने के संभवतः पहले पहले आपको 10 दिन पहले आपको सब बता दिया था, उसी को आपको दोबारा रिपीट करना है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, थैंक यू।